बॉबी साहब माइक नहीं, एक मिनट माइक लाया नहीं, माइक लाए हैं कहाँ है इसका? लाए हैं महाराज। अरे चुप बैठ, लाए हैं माइक लाए हैं, कहाँ है? और क्या क्या छुपा रखा है मोरी में? थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरा नाम चिल्लाते चिल्लाते थके नहीं, और मैं चाहता हूं कि आप अक्षय का भी नाम चिल्लाएं, उनको बहुत बुरा लग रहा है। जब से आए हैं आप सिर्फ मेरा नाम चिल्ला रहे, बॉबी का नाम चिल्ला रहे, बट आई लव अक्षय कुमार स्पेयर हेडिंग दिस फ्रेंचाइज, एंड प्लीज एक बार हो जाए अक्षय अक्षय अक्षय। थैंक यू वेरी मच। लेकिन पर बांगड़ू महाराज, आई रियली वॉन्ट टू नो क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में, और क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में? कभी आओ हमारे हवेली। पहले कर चुका हूँ दोस्ती। और वतन, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। सभी जानते हैं आखिरी क्या नाम है इसका? आखिरी पास्ता। इसके बिना हाउसफुल बिल्कुल अधूरी है। ये हमारी, यानी कि ये समझ लीजिए प्लेट में सॉस रख लो, अगर पास्ता ना हो तो खाएं क्या? ये हमारी, ये वही चीज अन्नपूर्णा है सर। ये वही चीज है, बहुत ही दिलचस्प इंसान है, इनके अंदर इतना चुटकुला भरा हुआ है भर के। अब आपको आखिरी पास्ता जी एक चुटकुला सुनाएंगे। मम्मी मिया, he's joking. I'm not joking. Thank you. तो जैसे आप जानते हो कि साजिद भाई, अक्षय भाई और रितेश भाई ने एक मिनट के लिए दिया, याद रखना। ओके कि मुझे अभी चार टाइम बर्दाश्त कर रहे हैं इस पिक्चर में, और आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, बिकॉज पास्ता का तो डबल रोल है। एक है पहला पास्ता और फिर आखिरी पास्ता। और बहुत मजा आया वर्किंग विद सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, बॉबी, अक्षय, रितेश, एंड थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू फरहाद भाई फॉर टॉलरेटिंग मी, और डबल धमाल होने वाला है इसमें। थैंक यू जी। वास्को डा गामा मेरा मामा। बैठ। अब कोई जगह दो यार इसको। टैप लो। Are you serious? नहीं, मैडम, you don't get up. मैडम, इतनी इज्जत नहीं उसको। 1975 से हम लोग साथ में एक ही बस में जाते थे। मैं आपको बता दूं एक और बात, ये मेरे एक साल आगे थे। आप बताइए, जब मैं करीबन छठी क्लास में था तो ये मेरे एक साल आगे था, ये सातवीं में था, लेकिन जब मैं दसवीं में पहुंचा तो ये तीन साल आगे था। बताइए क्यों? क्योंकि मैं दो साल फेल हो गया था। हम लोगों ने एक ही बस में ट्रेवल किया, 255 और वहां से इनको पता था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्योंकि उस टाइम भी मुझे लगता बस का बिल मैं ही भरता था टिकट। फिर उसके बाद हम लोग, हमारे बच्चे भी एक ही रूम में पैदा हुए, दो तीन दिन का डिफरेंस में अब एक स्कूल में थे और अब हम एक बिल्डिंग में रह रहे हैं। इससे ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और हमारे पास सेम गाड़ियां भी हैं। सेम गाड़ियां हैं। और ये बताएं कि ये इत्तफाकी बात है, ये नहीं है कि हम प्लान करते हैं कुछ, ये कसम से बाय गॉड इत्तफाकी बात है कि हमने जो कुछ भी किया है, मुझे पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे इसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इत्तफाकी बात है काफी मेलजोल रहा एक दूसरे के साथ। So he's one of the most luckiest producer for me, and I wish him a lot of luck. Sir, ये चौथी सीरीज है हाउसफुल की, इससे पहले तीन सीरीज आ चुकी है, चारों सीरीज में बहुत कुछ बदला है सर, डायरेक्टर बदले हैं, कहानी बदली है, कोई एक्टर्स बदले हैं, अगर नहीं बदली हाउसफुल में तो सिर्फ दो पिलर, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, और वो मेन सर, चंकी, जी, दो पिलर नहीं है, नहीं पिलर ही है सर, वो क्या फर्नीचर है। जी आपके ठीक सामने, हाय। हाँ सर, यू नो कल हमने आपको एक डिफरेंट अंदाज में देखा, एंड आज हम यहाँ पर आपको एक डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं, कभी आप तलवार निकाल लेते हैं, कभी माइक, यू नो, और क्या क्या निकाल लेते हैं, पहला सवाल सर।
अनफॉर्चुनेटली आप जैसे सवाल नहीं निकाल पाता. शायद पुनर्जन्म जी, शायद अगर आप पुनर्जन्म लेंगे, अगर आप जर्नलिस्ट बनेंगे तो ऐसे सवाल निकाल लेंगे. नहीं सर, फिर भी नहीं करूंगा. यू नो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिंग करते हैं आप, मतलब अक्षय जी जब बॉबी देओल ये ऐसे तीनों महारानियां आपके सामने रहती तब आप ऐसे एक्टिंग निकाल लेते हैं या कुछ वर्कशॉप करना पड़ता है आपको? नहीं, एक्चुअली क्या था कि जब इन्होंने किरदार लिखा है, जब इतने होनहार लेखक इतनी अच्छी तरह लिखते तो एक्टर्स को बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि लाइनें इतनी अच्छी होती है, एंड देन दे गाइड यू कि एग्जैक्टली उसको कैसे करना पड़ता है. एंड सो ऑल थैंक्स टू द राइटिंग एंड द डायरेक्टर दैट हैज हेल्प मी डू दिस, बट व्हाट आई सेड वाज इन गुड स्पिरिट, सो इफ इट हर्ट्स यू आई एम डैम सॉरी. नो नो इट्स ओके, बट आई हैव टू से दैट जितना नजाकत और अदा रितेश में है, हम तीनों में नहीं है. लाइक मुझे आई लव टू कम टू टेक क्लासेस फ्रॉम बांगडू महाराज. एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, यू नो आपने कई बार बताया है कि जिससे आपने एक्टिंग सीखी है जो आपके गुरु हैं वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी. हाल ही में उन्हें जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए उनका नाम आया है, तो अगर आप अपने कुछ ब्यूटीफुल अल्फाज उनके लिए कुछ अगर आप कह सकें. रितेश जी आपसे भी, बॉबी जी प्लीज. मैं उनको फोन करके कह दूंगा हमारे लिए वीडियो बाइट, वीडियो बाइट कर लूंगा बेटा, कर लूंगा मैं. इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं, तो क्या इसका कितना असर पृथ्वीराज पर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की फिल्म है और ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की. और दूसरी बात है कि नहीं पिछला वाला भूल जाऊंगा मैडम, पिछला वाला प्रश्न भूल जाऊंगा, फिर आप ही को पूछूंगा, वापस बताओ. एक एक करके पूछ लो, आप दो पूछ लो लेकिन एक एक करके. हाँ वापस बताइए क्या. इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म में, तो इस फिल्म का असर उस फिल्म पर कितना पड़ेगा? नहीं कोई असर नहीं है इसमें, ये बहुत अलग फिल्म है, वो बहुत अलग फिल्म है. इस फिल्म के बीच में और उस फिल्म के बीच में करीबन चार और आ जाएंगी फिल्में, तो फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी. और इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, चूंकि आप इसमें राजपूत बने हैं तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके किरदार में कुछ ऐसी फनी चीज हो जो करनी सेना को वो ना भाए? प्लीज आप रहने दें मैडम. आप आपको शांति अच्छी नहीं लगती मुझे, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम. ओके तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसे कुछ ना करें. ओके अच्छी भली आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपने जबरदस्ती कुछ करना है ये सब? नहीं, नहीं, नहीं. है? क्या फायदा, घर जाएंगे खेल हंसते खेलते, क्या फायदा. क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल सेड अक्षय सर. एंड विद दैट आई थिंक वी विल बी शिफ्टिंग. ओके अगला सवाल है डायरेक्टर साहब के लिए, फरहाद सर आपके लिए सवाल पूछा गया है. We hear the budget of Houseful 4 is more than Bahubali. Is it true? Sir, ये Melbourne में बैठी मीडिया जानना चाह रही है सर. इसको कैसे मालूम है? सर ये सवाल obviously स्टूडियो को पूछा जाए, because वही जो जैसे अक्षय सर ने इंट्रोड्यूस किया था, the धनवान, the fox. Yeah. So I think so they are a better people to judge. मैं तो अपनी requirements दे देता हूँ, but it's up to them as to how. एक बात बता, कैसे हो सकता है जब 65 days में बनी हुई फिल्म को, कैसे हो सकता है? सर वो देखें. सर मेलबॉर्न जी, आई जस्ट फील बिल्कुल नहीं. ये फिल्म हमने करीबन 65-70 डेज में बना दी थी, तो उसका बजट और इसका बजट जमीन आसमान का फर्क है. एंड मुझे लगता है हमने ये करीबन 80-85 करोड़ में बना ली ये फिल्म, एंड बाकी जितना कुछ और था जो लिया था फॉक्स से वो बाकी मैंने निचोड़ लिया. यही है कि बिना अक्षय जी के बजट के ये बाहुबली से कम है. ओके अगला सवाल रेडियो हांजी से है, और ये अगेन डायरेक्टर साहब के लिए. फरहाद सर आपसे पूछना चाह रहे हैं, हाउ कैन दी री इनकार्नेशन सब्जेक्ट बी लाफेबल? दैट्स व्हाट यू हैव टू सी. या बिकॉज यही तो चैलेंज था और यही तो मजा है कि हम वो नहीं देखिए. आजकल की फिल्मों में क्या हो गया है, वही फॉर्मूला चलता नहीं है. कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ वैकी वियर्ड थॉट्स चलते हैं. एंड जब ये आइडिया आया था
बिकॉज आई हैव रिटन हाउसफुल टू, आई हैव रिटन हाउसफुल थ्री एंड फोर भी जब हम लोग लिख रहे थे, तो ये जब जर्म आया, जब आइडिया आया, सो वी न्यू दैट ये सर क्या है ना, आज फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे से ज़्यादा अलग चीज़ चलती है, मैं वो मानता हूँ, और यहाँ पे ये अलग भी है, अच्छी भी है, एंड आई होप एंड प्रे एवरीवन लव्स द फिल्म. क्या बात है सर, वेल सेड. तो चलिए मेलबर्न, थैंक यू सो मच. वेल, आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे आ चुके हैं. लेट्स गेट बैक टू द मीडिया हियर. प्लीज यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन. माइक भी लगा लो मैडम, आपको देख के माइक भी बंद हो गए. माइक की बोलती बंद हो गई. दूसरा माइक दे दीजिए प्लीज. रितेश तहखाना खोल दो. मेरे को लगता है इस फिल्म के बाद सब तेरे पास आने वाले हैं. अगर इंडिया को कोई चाहिए होगा वेपन सब तेरे पास ही आएगा. मेरा क्वेश्चन बॉबी जी से है. आपने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था और उसके बारे में आपने खुल के बात भी की है. तो जब आपने काम रिज्यूम कर लिया है वापस एंड आपको काफ़ी तारीफें भी मिल रही हैं, आपने पर्सनली क्या चेंजेस लाए हैं अपने आप में एज एन एक्टर आफ्टर यू रिज्यूम? लाइक हम कह सकते हैं बॉबी देओल 2.0, व्हाट चेंजेस हैव यू मेड? क्या है कि मेरे साथ जो बैठा मेरा दोस्त अक्षय भैया, इसने जिंदगी में इतनी मेहनत की है और मैं हमेशा सोचता था कि ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल है. और बस मैंने अंदर बस एक बात को पैदा किया है कि मेहनत करो ज़्यादा और फिर लोग देखेंगे और काम मिलेगा. तो मैं बस यही कहता हूँ कि आप सबको, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, पॉजिटिव सोचो, फिर काम मिलता रहेगा. और इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के सब ने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया. And I'm very grateful for that. But end of the day, as Akshay said, luck really factors, but you have to do that 30% or 40% of hard work. If you don't do that, that luck doesn't matter then. Three cheers for Bobby. Sir. Hi. Yes. Hello. Ek bachelor test होता है जिसमें कहते हैं कि एक फिल्म में दो एक्ट्रेसेस या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और उनको आपस में बात करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मेन. एंड हम यूजुअली देखते हैं कि जब भी कॉमेडी मूवीज़ आती हैं तो एक्ट्रेसेस को उतना मतलब फुटेज नहीं मिलता है मूवी में. तो इस फिल्म में एज एक्ट्रेसेस आप अपने रोल के लिए क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज आप तीनों ने ऐसे रोल्स चूज़ किए हैं हमेशा जिसमें एक्ट्रेस का मीटी रोल हो, जो हम कह सकते हैं. Well, I personally feel, to be very honest, that for me, the story and the script is the main king. And when I heard the story of Household 4, I fell down because it was so, so funny. Having said that, as an actor, aapko agar 5 scene bhi mile, aur wo scene kamal ke scene ho, to even that's enough. I don't think length is what that matters. Hi, excuse me. Hello. Hi, and I have a question for Akshay. Can we let the others answer, please? Sorry. And like I said, this is, you know, even it's Houseful, but we are like new age women. We're powerful women in this film. And I think that's the change that, you know, the series has made. And like, I mean, kudos to Nadia sir and the team for that, for actually showing, like, we are warriors. Like I said, we've been raised to be warriors. And I think that's what's the change that you're going to see in this film. Yeah. I think, like Kriti said, it's not the length of the character, but the character that really matters. And I think at the end of the day, if you're happy looking at yourself, doing a little something that you know you will enjoy, like they say, kai baar kuch, it's not about quantity, it's about quality. It's as simple as that. And Houseful 4 is quality and loads of it. Sajid sir, here, my question is for you. Just this morning, the trailer of the movie got leaked online, you know. I just want to know what do you want to say about that? Because this is becoming very common these days with films also. So this time the trailer also got leaked. Do you want to say anything about it? I don't know. The PR team is working on it. Aadha ek ghanta pehle, I think so, got portion of it leaked. Eh? We didn't know also about it. You saw it? डायरेक्टर एंड फॉर साजिद नाडियाडवाला. या आई एम हियर.
Yeah. While watching the trailer, I observed there are stark similarities, you know, in some scenes, which are very similar to the ones shot in Bahubali. Like, wo ek actor ka teer chalane wala scene hai. Phir ek Rana, I think, wo get up mein Rana hi the shayad. To unka ek scene hai. So, ye ek deliberate inspiration hai, ya phir aapne isko actually spoof kiya hai ki Bahubali ke scene ka. No, there's no deliberate inspiration. Aap Rana ka bhi dekho to get up wo hai hi nahi. Jo aap Rana ka get up agar dekhoge, he's playing Gama, a Gama character. तो उसका जो गेटअप है, जो लुक है, एंड इफ यू जस्ट कंपेयर इट विद बाहुबली'स लुक राणा का, इट्स टोटली डिफरेंट. और वो उसमें लड़की का आई थिंक सो तीन तीर थे, इसमें चार है. या हमने बढ़ा दिए. और उस टाइम पे हथियार तो सेम होते थे, तो 600 हां वही 600 साल पहले, अभी गन तो चला नहीं सकते, तीर ही चलाएंगे हम. हमने तो बोला था, बट नहीं. और इंटरेस्टिंग क्या, तीर का जो खींचने का एंगल था वो भी इस फिल्म में बिल्कुल ज्यादा अलग था. तो आई थिंक काफी उड़ गई थी 33 डिग्री. नो, इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म, वन कैन टेक यू नो इंस्पिरेशन फ्रॉम, दैट्स नो प्रॉब्लम. जाहिर सी बात है, लेकिन जब भी हम ऐतिहासिक, तो बाहुबली जो है उसने एक एग्जांपल सेट कर दिया है. चाहे आप इसमें कॉमेडी एंगल ले रहे हैं इतिहास का, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जांपल सेट कर दिया. सो व्हाइल राइटिंग अ फिल्म, यू थिंक यू हैव दैट इन माइंड एंड यू काइंड ऑफ कंसीव लाइक दैट? वी डोंट हैव इट इन माइंड, बट अगर वो हो रहा है कंपैरिजन, तो हमारे लिए अच्छी बात है. बिकॉज हम भी जब फिल्म लिखते हैं, तो हम लिखते हैं शोले जैसी कोई फिल्म लिखे, तो अगर बाहुबली जैसी भी अगर लग रही है कहीं कहीं, तो इट्स गुड फॉर अस. Bilkul, yeah, with that, we'll be getting back to the media here. We have a few of the people sitting yes, in London. Yes, hi. Excuse me. Hi. Yes, hi. How are you? Okay, I have a question for Akshay. You have a question, ma'am? We'll have to wait. Thank okay, you so much. Sure, I love sure. you too. You're very sweet. Yeah. Thanks, yeah. Hi. Amazing, yeah. Because the people in London have been waiting and they've been cool, saying cool. that. Let's ask a question over to the media in London. And yahan pe question hai Akshay sir ke liye. Well, sir, Lycra Radio jo hai, inhone pucha, the experience of shooting in London. How was the experience? Any interesting incidents? Koi story aapko yaad aati hai London mein shoot kiya? Mujhe London mein sirf subsidy yaad aa rahi hai. GDP